सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देवहूति का विवाह होता है करदम जी के साथ में। विवाह होने से पहले शर्त रखा, एक बालक होगा तो वन में जाकर के तप करूंगा। शादी होता है और उसके बाद में करदम जी ध्यान में बैठ गए। शादी के बहुत साल बीत गया, हजारों वर्ष बीत गए, तपस्या से उठे नहीं। देवहूति देवी सेवा करती है, आश्रम में झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है, सेवा करती, पति ध्यान में बैठे। आजकल की महिलाएं होती तो दो घंटे भी अगर पति बाहर जाए तो 10 बार फोन करती है, लेकिन उस समय के धैर्यता को देखो। हजारों वर्ष तक पति ध्यान में बैठे हैं। अगर चाहती तो मायके चली जाती, लेकिन नहीं, पति के आदेश के बिन। इसी को पतिव्रता कहते हैं। पति के आदेश के बिन जो महिला कुछ ना करे, अगर मायके जाना हो तो पति को पूछ के जाएं, पड़ोस में जाना हो तो पति को पूछ के जाएं, उसी को पतिव्रता कहते हैं। आप लोग ऐसा करते हो? हाँ हाँ करते हैं, केवल भागवत में आने के लिए करते हैं, नहीं तो जब पार्लर जाना होता है ना तो ऐसे ही चले जाते हैं। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। देवहूति मैया हजारों वर्ष तक पति करदम जी ध्यान में बैठे, चुपचाप से सेवा करती रही। हजारों वर्ष बाद जब आंख खुला तो देखा एक वृद्ध महिला आश्रम में काम कर रहे, भूल गए शादी हुआ था। तो उसके बाद पूछा, देवी आप कौन हैं? देवहूति बोले कि आपके साथ में बहुत समय पहले शादी हुई थी, पिताजी ने कन्यादान किया था। अच्छा, तो आप यही हो जब से? जी हम यही हैं। उसके बाद उनके सेवा को देख करके करदम जी खुश हुए, अपने तपस्या के बल से सुंदर शरीर प्रदान किया, स्वयं भी सुंदर बन गए, जवान बन गए, और विमान में भ्रमण कराया, संसार के संपूर्ण सुख दिया, नौ कन्या हुई। और उसके बाद करदम जी बोले, अब मुझे जंगल में जाकर के तपस्या करना है। देवहूति बोली कि प्रभु एक संतान, एक बेटा और हो जाए तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कन्या तो विवाह के बाद में अपने पति के घर चली जाती है, फिर मैं किसके साथ रहूंगी। उसके बाद एक बेटा उनके घर में होता है जो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण के अवतार, भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेकर के देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ।